हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास यूपीएससी ईएसआईसी ड्यूटी डायरेक्टर के जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। इससे पहले जो वीडियो बना था हमारा, उस टाइम मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो हम लोग फ्री में करवाएंगे और बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। तो ये वही वीडियो है जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यूपीएससी ईएसआईसी ड्यूटी डायरेक्टर का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, अभिपीडिया आपके लिए क्या लेकर आया है और अभिपीडिया से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जैसे कि एग्ज़ाम हो गया है, बहुत सारे बच्चों का बता चुके हैं सबको ना कि इतना इतना मार्क्स आया है, क्या कट ऑफ है। कट ऑफ वाली वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बात आती है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपका 160 से 70 के बीच में या फिर 170 से अबव आपका नंबर आ रहा है तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अभी पता ही आपको यूपीएससी की बात है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं है मेरे। आप फिर बाद में मुझे बोलोगे कि सर आपने मुझे बोला था इतना कट ऑफ जाएगा लेकिन इतना ही गया। ठीक है, तो वो तो खैर मेरा, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी चाहिए और यूपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अभी पीडीएफ फ्री इनिशिएटिव लेकर आया है जिसमें आपके यूपीएससी ईएसआईसी ड्यूटी डायरेक्टर का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो अभी पीडीएफ फ्री में करवाएगी। जिसमें आपको करना क्या है, आपको अपना एक बायोडाटा फॉर्म बनाना है। बायोडाटा फॉर्म आप हमारे यहाँ से अपलोड कर सकते हो क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, तो रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन आपको इतने कम टाइम पे नहीं हो सकता है और खास करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन। तो आपको तय अभी से ही तय करना है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। मेरे ख्याल से तो कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मौका मिलता है और आप उस मौके को खो देते हो तो आपको फिर लगेगा कि यार क्या किया मैंने। ठीक है, ज़िंदगी में आपको हमेशा अफसोस ही होगा, तो इससे अच्छा है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्री इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि हम लोग आपसे एक बायोडाटा फॉर्म आपका आपके बारे में लेंगे। ठीक है, उसको अपलोड करोगे आप हमारे वेबसाइट पे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। और वो जो अपलोड करोगे आप बायोडाटा फॉर्म अपने बारे में, वो हमारे एक्सपर्ट के पास जाएंगे और एक्सपर्ट हमारे आपके बायोडाटा के अनुसार, यानी आपके बायोडाटा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप क्या काम करते थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो ईएसआईसी ड्यूटी डायरेक्टर था उसमें क्या था कि 3 साल की वो एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चन आपके बायोडाटा के अनुसार बन सकता है वहाँ पे या फिर पूछा जा सकता है, वो उसका एक क्वेश्चन बैंक बनता है आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग, और वो क्वेश्चन बैंक आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, मॉक इंटरव्यू भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो मॉक इंटरव्यू होगा उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप कहाँ कहाँ पे आपका कमी है उसको आप सुधार सकते हो उस वीडियो को देख के। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मैं आपको बता दूँगा कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको जहाँ पे आपको बायोडाटा अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है वहाँ से मैं आपका उसका लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ पे आप स्लॉट भी बुक कर सकोगे, अपना बायोडाटा फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकोगे, उसको फिलअप करने के बाद वहीं से भी आप अपलोड भी कर सकोगे। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वैसे मैं आपको बता भी दूं कि किस टाइप से आप जा सकते हो, अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है तो आपको जाना है कहाँ, यूपीएससी आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है abhipedia.abhimanyu.com। ठीक है, abhipedia.abhimanyu.com। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, चूज एग्जाम पे जाना है, चूज एग्जाम पे जाने। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कहाँ पे जाना है, abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करने लगा है, या अगर आपने लॉगिन नहीं किया सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर नहीं किया आप पहले रजिस्टर कीजिए। अगर रजिस्टर करने के बाद भी अगर आप लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन पहले कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको चूज एग्जाम पे जाना है। चूज एग्जाम पे यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, यहाँ पे आपको मिलेगा ईएसआईसी का जो सेक्शन है हमारे एग्जाम का, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप हमारे ईएसआईसी के जो पोर्टल का पेज है वहाँ पे पहुँच जाओगे, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक फॉर इंटरव्यू। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको जो हम लोगों ने बायोडाटा फॉर्म दिया है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे जैसे ही आपको एक बायोडाटा फॉर्म आपका आ जाता है ईएसआईसी के लिए, जो हमें रिक्वायर होगा, क्योंकि जैसे कि आप ये बायोडाटा फॉर्म अपने बारे में आप लिख के जब डालोगे हमारे पास आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो क्वेश्चन बैंक है वो बनेंगे। ठीक है, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक। तो ये है आपका बायोडाटा फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको अच्छे से पेन पेपर में इसको भरना है। ठीक है, जो भी है, इसके बाद फिर से आपको फोटो खींचना है, क्लिक मतलब स्कैन करना है, स्कैन करके आपको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। याद रखिएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे अपलोड बायोडाटा फॉर्म है ना, यहाँ पे चूज करके फाइल, और आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड कर देना है।
ठीक है। इसके बाद अगर आपको मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, जैसे कि स्लॉट बुक करनी हो आपको, अगर मान लीजिए कि आपको स्लॉट चाहिए, तो स्लॉट देखिए इसी के नीचे, थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे स्लॉट लगी हुई है, ठीक है, डेट के अनुसार। तो जिस डेट को आप चाहिए आपको, उस हिसाब से आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इनरोल का बटन है, बस इनरोल का बटन दबाइएगा, ऑटोमेटिकली वो आपका जो है वो आ जाएगा, स्लॉट बुक हो जाएगा उस डेट का, और आपको कॉल आ जाएंगी, ठीक है, आपको सब कुछ आ जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर जो है, ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो 7833773651, ठीक है। इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, 7833773651, लास्ट में वन है, ठीक है। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।